कैसे हैं? Assalamualaikum, welcome to the channel, guys. कैसे हैं? मैं कैसे हैं आप शेर में? मैं बिल्कुल ठीक, आप क्या करें? इसे क्या मन अच्छे शेर में? पीछे तो देखो, कुछ नहीं है. वेलकम बैक टू गली बॉय, जो है अमीराना नाम है गली बॉय. तबीब एंड राना, तबीब महमूद. इनका जो सॉन्ग है तो ही दोरो शो देखने वाले होते हैं, फीचरिंग ढाका यूनिवर्सिटी मीमी. तो ये रैप सॉन्ग इन्होंने न्यू रिलीज़ किया है, तो इसको हम देखते हैं कि इस दफ़ा क्या मैसेज हमारे लिए लाए हैं. क्योंकि जब से भी हम इनको फॉलो कर रहे हैं, शायद हम इनको शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, जब से सारे ऑलमोस्ट देख रहे हैं, जब से गली बॉय आया है. हर सॉन्ग जो है, हर रैप इनका किसी एक ना एक टॉपिक सोशल इशू पे होता है, तो देखते हैं आज किस चीज़ को वो एड्रेस करने वाले हैं. अत्याचार, পুলিশ ফারি তার পরিচয় জানি না, সকলের সামনে সে খুলে বলে ঘটনা, পত্রিকা রস মেখে লিখে দেয় রচনা, অফিসার নিয়ে যায় মেডিকেলে হুট করে, উলঙ্গ করে তাকে ডাক্তার চেক করে, খুঁজে পায় নমুনা, দর্শক পলাতক, তোমরা কি জানো সেই মেয়েটির ঠিকানা, সকলের রক্ত চড়ে হয় নারী ধর্ষণ, ঘটনা জানা জানি হলে শুনি গর্জন, কেউ এসে ফাঁসি চায় কেউ করে দোষারোপ, এভাবে ধীরে ধীরে জমা হয়ে আছে খুব, চিন্তারি মা করে মমতার বন্ধু, শিলারি প্রতিদিন হয় কেন ধর্ষণ, মাথা আজ ভয় বেদত হয়, বিলবোর্ডে ঝুলা সব ধর্ষকের পরিচয়, রকম হয়েছে জারি তোর ফাঁসি, সর্বনাশা সেই বীর চপাতে, যখন সে মেয়েটির চোখ ফাটা জল, বলেছিল কথা তার খোদার সাথে, রকম হয়েছে জারি তোর ফাঁসি, সর্বনাশা সেই বীর চপাতে, যখন সে মেয়েটির চোখ ফাটা জল, বলেছিল কথা তার খোদার সাথে, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাতে, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাতে, চারিদিকে মিথ্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, ধর্ষকেরা ঘুইরা বেড়ায় মুখোশ পইরা ভদ্রতার, প্লেকার্ড নিয়ে প্রতিবাদের মিছিল কইরা লাফটি ভাই, সুযোগ পাইলে নারীর দেহ দু চোখ দিয়া চাইটা খাই, বুদ্ধিজীবী বিদ্যা বেচা ধান্দা করে সর্বনাশ, রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে ফন্দি করে অক্টোপাস, সত্য যেমন লেখা থাকে আস্তে ধীরে মুক্তি পায়, মাইলে মাইসের মেসেঞ্জারে পুরুষ তেমন চেনা যায়, এ নারী আর কত সয়ে যাবে অবহেলা, বল কবে শেষ হবে নিয়মের চোরা খেলা, নীরবে লিপ্তিতে আর কত জল ফেলে, প্রতিটি ধাপে নারী গানি নিয়ে বাঁচে শুধু, পুরুষ তো টাকা দিয়ে কিনে আনে নববধূ, তবে কি এই ছিল সভ্যতার অর্জন, যেখানে নারী দিবে নিজেকে বিসর্জন, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাত, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাত, রকম হয়েছে যাই তোর ফাঁসি, সর্বনাশা সেই বীর চপাতে, যখন সে মেয়েটি চোখ পাতা জল, বলেছিল কথা তার খোদার সাথে, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাত, তুই ধর্ষক তুই ভিন্ন জাত, তোর ফাঁসি লিখে তোর বীর চপাত. ओके, सो ये एक सैड रियलिटी हमें भी, बल्कि यहाँ पर हमारी कंट्री में भी इतनी ज़्यादा फील हो रही है अभी अभी ये रिसेंटली. हाँ. तो ये ऐसा इशू है कि जो हमारे एरियाज में, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा ऑन, जैसे कहे ना, ऑन टॉप है, क्राइसिस सिचुएशन है. yes. तो इसके सॉल्यूशंस
तो पॉसिबली यही है कि अवेयरनेस लोगों में जितनी एजुकेशन की जाए उतना ही लोग एजुकेट होंगे और एक्सिक्यूशन जो कि डिमांड चल रही है तमाम कंट्रीज में कि रेपिस्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, तो इट्स एन ऑप्शन जो कि गवर्नमेंट्स भी उसको देख रही हैं। लेकिन ये बात है कि एग्जेम्पलरी हमें करना पड़ेगा इन चीज़ों को ताकि आगे से जो लोग हैं वो ऐसे काम ना करें और एक सिक्योर सोसाइटी में हम लोग रह सकें। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, और सबसे ज़्यादा जो एक बल्कि कहते हैं कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात ये होती है कि हमारी पुलिस हेल्प नहीं करती विक्टिम की, उल्टा विक्टिम को ब्लेम कर देती है। ये पूरे रीजन में ही ऐसा है कि आप इस केसेस में जब भी पुलिस से हेल्प लेने गए हो तो बंदा डर के 90% तो लोग जाते ही नहीं है, कुछ केसेस सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं। तो इसको इसके लिए हर मैं समझता हूँ कि हर बल्कि रिलीजन और हर कंट्री का अपना एक वो बना हुआ है लॉ, लेकिन वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। तो होपफुली ये इसी तरह अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आती रहेगी, और ये बहुत अच्छा एक मैसेज इसमें दिया। आई थिंक जितने हमने मैसेजेस देखे उसमें सबसे ज़्यादा सीरियस भी यही था, हमने पीछे नेपाल में भी देखा था, उस पर भी एक वीडियो हमने देखा, तो वहाँ भी यही सारा हैशटैग चल रहा था। आपको बताया ना इंडिया में भी केसेस चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी हैं, इसी तरह नेपाल और पाकिस्तान में भी रिसेंटली बहुत क्रिटिकल केसेस इस तरह के सामने आए हैं। तो जो विक्टिम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बिल्कुल जस्टिस वो उनको उस तरह से दिया नहीं जाता, या उस तरह से उनके जो लोगों के बर्ताव जो होता है वो भी बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो ये एक बहुत सैड रियलिटी है जिसको हम सारों को अवेयरनेस एजुकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, तो ये एक इंफॉर्मेटिव किस्म का वीडियो था, ये कोई इस तरह एंटरटेनमेंट या रिएक्शन टाइप तो वीडियो था नहीं, लेकिन होपफुली आप सबका ये मैसेज गया होगा, और इसको वीडियोस को ज़रूर आगे शेयर किया करें इस तरह के वीडियोस ताकि और लोग देख सकें और लोग अवेयरनेस इससे लें। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो रिएक्शन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड लाफी।